मैं डॉक्टर श्रीनिवास हूँ। मैं MGM हेल्थ केयर चेन्नई में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिल्लर हॉस्पिटल अंडमान से एक न्यूरोलॉजी क्लिनिक के लिए आ रहा हूँ। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि सिर दर्द, कमज़ोरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, फिट्स, पार्किंसन और कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करो। न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो है हमारे इस टूर्नामेंट को कवरेज करने के लिए यहां पर आए हैं मेरी शॉर्ट नोटिस में। नमस्कार, मैं आपदा से न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर इस वक्त हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 1 हैडो में, जहां पर एक बहुत ही रोमांचक मैच होने जा रहा है। ये जो मैच है, क्रिकेट मैच की कवरेज भी पिछली बार हमने ही की थी, हम ही ने इस मैच की ओपनिंग कवरेज की थी। और आज यहां पर 21 अप्रैल को यहां पर दो टीमों का फाइनल हो रहा है। आज यहां का फाइनल मैच है। यहां पर दो टीमें हैं, एक का नाम है योगी ब्रदर्स और एक है GYC। ये दोनों ही टीम फाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं और इस वक्त मैदान पर जो गेंदबाजी कर रही है और देख सकते हैं बेहतरीन शॉट लगा रहा है यहाँ के युवा, जो इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद इतना रोमांचक शॉट लगाया है कि बॉल को स्टेडियम ग्राउंड के बाहर कर दिया है। GYC की टीम यहाँ पर गेंदबाजी कर रही है और जो सामने वाली टीम है इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन छक्का लगा दिया है, बैक टू बैक। वो भी आगे देखते हैं, बात करते हैं लोगों से, जानते हैं कि वो आज के इस विषय में क्या बताना चाहिए। मैदान पे आते हुए तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि उनके योगदान से ये इतना बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित हुआ। तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ साहुल जी का। तो हमारे एक और अतिथि सुमित भैया भी यहाँ मैदान पर आ चुके हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। SS ट्रॉफी 2024 सीजन 1 के फाइनल में मुकाबला, एक एक मैच का बहुत ही, एक एक गेंद का बहुत ही बड़ा महत्व होता है इस फाइनल मुकाबले में। तो SS का भैरो ट्रॉफी सीजन 1 2024 ऑर्गेनाइज बाय साहुल अमित, वार्ड नंबर 1 काउंसलर एंड सपोर्टेड बाय सोमेश्वर राव, वार्ड नंबर 2 काउंसलर। साहुल सपोर्टर्स कप हैडो ट्रॉफी सीजन 1 में हम आपका स्वागत करते हैं। 25 फरवरी को हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। मैं शाहुल अमित काउंसलर वार्ड नंबर 1 शुक्रिया अदा देता हूं, और साथ ही मैं हमारे जो जितने भी टीम बॉयज, हमारे जो ग्राउंड बॉयज थे, बच्चे जो यहां पर खड़े हैं, उन बच्चों के लिए एक बार जोर से, ग्राउंड बॉयज के लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए। मेरे को बहुत बड़ा नुकसान से बचाया है बच्चा लोग। अभी मैच को शुरुआत कर देते हैं। मैच को शुरू करने के बाद दोनों टीम का मगा संग्राम होगा। अब वहां पर टॉस करेंगे, उसके बाद जो टॉस जीतेगा वो जो बोलेगा बैटिंग या फील्डिंग जो भी है उनके हिसाब से चलेगा। तो चलिए टूर्नामेंट को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर है वो भी हमारे शाहुल अमित जी है और इस वार्ड के काउंसलर भी वही है, तो इनसे जानते हैं कि ये चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है हमारे इस टूर्नामेंट को कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए हैं मेरी शॉर्ट नोटिस में। और खास करके आज जो है हम ये टूर्नामेंट जो है
एसएस कप, साहुल सपोर्टर्स कप हाइड्रो ट्रॉफी सीजन वन हम जो है 25 फरवरी को स्टार्ट किया था, और उसके बाद दो महीना से जो है तकरीबन ये टूर्नामेंट चला। यहाँ पे 14 टीम मतलब जो ऑर्गेनाइज़ किया, कुछ कुछ वजह से कभी कभी मतलब जो है ग्राउंड का मतलब जो है लैग का कारण से मतलब जो थोड़ा सा आगे पीछे होकर जो दो महीना मतलब जो है टूर्नामेंट चला, और इलेक्शन का भी मतलब सिचुएशन था, इलेक्शन के मतलब मौसम की वजह से हमने जो है फाइनल को जो है थोड़ा सा लेट कर आज 21 अप्रैल को हम आज मतलब जो है महासंग्राम यहाँ पर करा रहे हैं, महा मतलब टूर्नामेंट करा रहे हैं। इसमें जो है योगी ब्रदर्स वर्सेस GYC दो टीम मतलब जो है फाइनल में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टॉस हुआ, टॉस में जो है योगी ब्रदर्स और GYC इसमें जो है टॉस जीता है योगी ब्रदर्स, और बैटिंग के लिए मतलब जो है योगी ब्रदर्स उतरेंगे फील्ड में। योगी ब्रदर्स जो है वार्ड नंबर 1 के टीम है और GYC जो है वार्ड नंबर 2 के टीम है, यानी कि वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के दोनों टीम आज यहां पर महासंग्राम में भिड़ेंगे, और हम जो है हाइड्रो के मतलब दोनों मतलब वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के लोग मतलब दोनों क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये टूर्नामेंट अरेंज किया। बहुत दिन से यहाँ के बच्चों का मतलब डिमांड है कि साहुल सर मतलब आप कुछ करवाइए टूर्नामेंट, ऐसे तो हम मतलब टूर्नामेंट करते रहते हैं, वार्ड नंबर 1 के लिए तो हमने काफ़ी टूर्नामेंट किया, तो मतलब वार्ड नंबर 2 के मतलब बच्चे भी अगर बोलें कि दोनों मतलब दोनों वार्ड को मिलाकर टूर्नामेंट करने के लिए, तो पहला मतलब ये सेशन में ये पहला टूर्नामेंट है, और पूरा एक ग्राउंड को भी मतलब जो उनके लिए हम लोग मतलब जो है अपना तरफ से ऑर्गेनाइज करके दिया है, और आज हम लोग मतलब इसको किया है, और बहुत जल्द जो है हम लोग नाइट नेक्स्ट सेशन में जो है नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट भी मतलब जो हम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे जो इलेक्शन में भी मतलब जो हमारा जो वादा था कि मतलब स्पोर्ट्स में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों को पढ़ देने के लिए, इसीलिए हम जो है साल में एक बार पोंगल का मतलब जो टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें छोटे बच्चों का महिलाओं का बहुत सा गेम्स रखते हैं। अब हमारे यूथ को एक्चुअल क्या है ना, हम ये टूर्नामेंट करेंगे, मेन कारण क्या है, इस तरह का टूर्नामेंट जब हम करते हैं तो बच्चों का माइंड जो है सिर्फ स्पोर्ट्स के प्रति जाता है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स, इसके सिवा और कोई नहीं। पहले एक ग्राउंड में मतलब जो कोई अंदर घुसता भी नहीं था, आजकल शाम को मतलब जो है यहाँ पर हम देखते हैं लाइट वाइट सब लगने के बाद महिलाएं भी मतलब जो है यहाँ पर शाम को टहलने के लिए आते हैं, बच्चे भी शाम को खेलते हैं, मतलब ये हमारा बहुत मतलब खुशी का बात है कि आगे और भी मतलब जो है इस ग्राउंड को जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर इसको और भी मतलब बहुत काफ़ी मतलब जो है इसको जो है डेवलपमेंट करना है। थैंक यू, धन्यवाद। और ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, नीचे फील्डर मौजूद, और ये खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ पे कृष्णा के द्वारा, कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल को, और ये बड़ा शॉट, नीचे देखा फील्डर मौजूद, और ये खराब फील्डिंग, यह एक अच्छा मौका था यहाँ पर, आसानी से रन पूरा किया, दो रन की दरकार, मगर कोई मौका नहीं यहाँ पे, और ये गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद, और ये विकेट, जिसकी दरकार थी यही विकेट, बहुत ही खूबसूरत कैच है सुनील का, बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ, आखिरी गेंद इसी ओवर की, और ये क्लीन बोल्ड, एक और सबूत है यहाँ दर्शक को, यहाँ से अब मैच कुछ अलग ही मोड पे है, एक गेंद में 8 रन की दरकार, अब ये मैच शायद मेरे हिसाब से अब योगी ब्रदर्स के पक्ष में आ चुका है। अब देखना है एसएस ट्रॉफी 2024 का ये पहला सीजन, ये किताब कौन अपने पक्ष में लेके जाता है, आखिरी गेंद सामना करेंगे प्रसाद, और ये खूबसूरत शॉट, 4 रन, और इसी के साथ ब्रदर्स ये 2024 का सीजन पहला ट्रॉफी अपने नाम किया योगी ब्रदर्स ने। कंग्रेचुलेशन योगी ब्रदर्स ऑन द मैच, एक बार जोर से सबको तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाइए। एसएस कप साहुल सपोर्टर्स कप का सीजन 1 का पहला किताब, पहला मैच आज योगी ब्रदर्स इस मैच को यहां पर विन कर कप मैन ऑफ द मैच किस प्रेम यहां पर आ जाए, प्रेम को आने भूलिए, जिस टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है उस टीम के जो कैप्टन है योगी जी, उनके ही नाम का टीम है, जो टीम विजेता है वो टीम भी योगी ब्रदर्स के नाम से ही है, और उस टीम के कैप्टन से जानते हैं कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस मुकाबले को जीत कर। इस मुकाबले को जीत कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी हम लोग टीम को सब लोग को बहुत अच्छा खेला है, बहुत काफ़ी मेहनत की है, मेहनत करा है, और हम लोग टीम के लिए सबको थैंक्स। आपके टीम वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? सब लोग अच्छा ही खेला है, बहुत ही मेहनत करके मैच जीता है,
भैया का तो पहले बार बोलते हैं, भैया बोल तो भैया को तो थैंक्स बोलते हैं, और इतना सुंदर ग्राउंड बना के हम लोग को खेलने देते हैं, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। GYC की जो कैप्टन है अनिल जी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद भी इस मुकाबले को खो दिया, पर उनकी टीम का बहुत अच्छा योगदान था इस मैच को लेकर, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे चंद शब्दों में कि वो क्या बताना चाहेंगे। बॉयज तो अच्छा खेला है, अपोजिट टीम भी बढ़िया खेला है, बैड लक इसलिए हम लोग की मैच हार गया। हम लोग जो बॉयज लोग बढ़िया खेले हैं, लेकिन लास्ट दो ओवर में हम लोग दो छक्के लगना था, उसमें हम लोग हार गया मैच। और ये जो ग्राउंड में जो मैच टूर्नामेंट जो कराता है साहुल भैया, बढ़िया सा करा है टूर्नामेंट, अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 उनको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और मैं हमारे बीच हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट मानिक राव जी उनको भी स्वागत करते हुए, हमारे जो छोटे भाई है वार्ड नंबर 2 के काउंसलर, और दोनों टीम के जीते हुए कैप्टन योगी और अनिल भाई, दोनों को भी मतलब जो है मैं स्वागत करते हुए, आप लोगों ने ये बोला कि आगे जो है हमारा पूरा वादा रहेगा पूरा हेडो वार्ड नंबर 1 से और 2 से। आप बोला कि मतलब जो है बाजार में क्या, मैं अगर आप लोग मेरे को साथ देंगे तो पूरा इंडिया लेवल में मैं आप लोगों को लेके जाने के तैयार है। जितने भी बच्चे लोग खड़े हैं आप सबके लिए मैं वादा करता हूं कि आप लोग खेलते रहिए, आपका साथ देंगे, आपका साहुल भैया 24/7 आपके साथ तैयार है, साथ में आपका भाभी भी आपके साथ कभी भी रहेगा। TDP पार्टी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है मानिक राव जी, उनसे बात करेंगे चंद शब्दों में, जानेंगे कि वो हमारे मीडिया के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले न्यूज़ अंडमान 24/7 का धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह आज वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 का जो टीम्स है क्रिकेट का, जो दोनों टीम का बधाई दे रहा हूँ। हार जीत तो होता ही है, कामयाब एक चीज़ होता, हारने से भी जीतने से भी एक ऊंचा मंच तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता, उसको छोड़ना नहीं है। सब लोग मिल के खेलने से बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से बहुत जन बाहर टीम जाके खेलते हैं। साहुल भैया ने एक स्टेज प्लेटफॉर्म दिया हम लोग खेलने के लिए, तो ऐसे इसमें नया बच्चे आगे आए। बहुत ही अच्छा कहा है आपने, ये भी इजाज़त है कि और भी नए नए खिलाड़ी यहाँ पर आए और अपना गेम खेले और अपने आप को और भी आगे लेके जाए। हमारे बीच पर एक और खिलाड़ी मौजूद है जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज है, उनका नाम है दशरथ जी। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। हर मैच तो फाइनल तो बहुत अच्छी हुआ, दोनों टीम ने बहुत अच्छी पार्टिसिपेट करा है, और मैच तो दोनों साइड से था, हम लोग आखिरी ओवर तक आया मैच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी मजबूत एक और टीम है जो कि इस बार इस मैच को नहीं जीत पाई, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद इस मैच के रनर अप रह चुके हैं, और ऐसा नहीं कि ये मैच वन साइडेड था, ये मैच बहुत ही टक्कर भरा मैच था, सिर्फ 4 रन से इस मैच को इन्होंने खो दिया है। 10 साल से टूर्नामेंट यहाँ चलता है, 10 टूर्नामेंट फाइनलिस्ट, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। फाइनल हुआ, अभी 10 फाइनल में हम लोग गया है, ट्रॉफी हम लोग को मिला है, 2 ट्रॉफी, सब रनर अप। वह खिलाड़ी हमारे बीच पर आए हैं जिनका नाम श्रीकांत है, तो बात करते हैं कि ये हमारे दर्शकों को, हमारे युवा खिलाड़ियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे। जय हिंद। आज का हमारा हार हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ तो कमी हुआ है, उसके पीछे हराया, जो पिछला सेमीफाइनल में हम लोग 160 टारगेट को चेस किया था, लेकिन आज कुछ कमी था जो हम लोग प्लेयर डिसअपॉइंटमेंट होके ये पोजीशन आया, लेकिन बाकी यंग प्लेयर है, कोई ऐसा ये नहीं है कि यंग प्लेयर, इन लोग ये जो प्लेयर्स है जो इनका जो क्या बोलते सभी बेहतरीन खिलाड़ी है, इनका जो कमिटमेंट है एकदम एक्सेलेंट है। हमारे बीच पर मौजूद है यहाँ पर एक प्रवीण जी जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, रनर अप टीम से हमारे मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, इनसे जानते हैं कि ये चंद शब्दों में क्या बताना चाहेंगे। मेरा नाम प्रवीण है। पिछले 2 महीने से जो यहाँ में जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें सारा अच्छा टीम आया था, 14 टीम्स आया था, इसमें जो ये फाइनलिस्ट है 2 टीम, काफ़ी अच्छा प्लेयर हमारा टीम में भी, काफ़ी फाइनल तक बहुत प्रैक्टिस करते हुए सारा बहुत ही अच्छा करा, लेकिन आज हम लोग बैड लक है, 4 रन से हार गए। हो सकता है कि आज आपका दिन इतना खास नहीं, बस वही है, कोई बात नहीं। प्रवीण जी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, हमने भी देखा, सिर्फ 4 रन से आ रहे हैं, कोशिश करिए आगे जाकर और भी अच्छा प्रदर्शन करने का है। साहुल जी का कहना है कि वो तो इसे और भी आगे लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे जो द्वीपों की खिलाड़ी है इनको और भी आगे तक लेके जाए और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम रोशन करे। हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं ना हमारे जो
मीडिया जो है हर पोंगल का प्रोग्राम हो कोई भी प्रोग्राम में सबसे आगे यहाँ पे आके मतलब कवरेज करते हैं, तो उनको हॉनर करने के लिए मैं सारा मैं सर्कल कर रहा हूँ कि उनको छोटा सा मोमेंट वेट करें। तो इसी के साथ आज का जो ये मुकाबला है साहुल कप सीजन वन का पहला जो टूर्नामेंट है वो योगी ब्रदर्स ने जीता है। साहुल अमित जी जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है हमेशा अच्छे कार्य करते रहते हैं हर तरह का, जैसे कि पिछली बार आपने देखा था रंगोली फेस्टिवल इस तरह के, और वुमेन या कि महिलाओं के लिए भी कई सारे इवेंट्स रखे थे उन्होंने। तो इसी के साथ आज का जो ये कार्यक्रम है इसका अंत होता है, आज इस टूर्नामेंट का अंत होता है। और मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि जितना हो सकता है अपने आप को और मजबूत करें, अपने टैलेंट को और धार करें। आपको जो भी आता है वो क्रिकेट हो, वो फुटबॉल हो, वो इंडोर गेम हो, वो आउटडोर गेम हो, वो बॉक्सिंग हो, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड नेशनल तक या इंटरनेशनल तक ओलंपिक्स तक कोई भी गेम हो, आप कोशिश करें कि आप इसी तरह से अपने आप को और आगे बढ़ाएं और अंडमान एंड निकोबार द्वीप का नाम रोशन करें। और करते हैं कि हमेशा इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का इवेंट होते रहेगा और इस तरीके का हमें इवेंट्स दिखता रहेगा और अंडमान एंड निकोबार इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से धन्यवाद।